जो बेस्ट डांसर परफॉर्म करने आ रही हैं, उनके पापा ने कहा मेरी बेटी MBBS करेगी, मम्मी ने कहा ओके MBBS मूनवॉक बेली बचाटा और सालसा करेगी। पापा ने अपनी बेटी को ENT की राह दिखाई, मम्मी उसे एंटरटेनमेंट न्यूनेस और टेक्निक के मंच पे ले आई। ग्रैंड प्रीमियर में आ रही है वो नेक्स्ट बेस्ट डांसर, जिसके हर डांस पे लगती है मम्मी और पापा की शर्त। तो आज देखते हैं किसका पैसा जाएगा व्यर्थ। प्रेजेंटिंग पुणे महाराष्ट्र से सौम्या कांबले विद कोरियोग्राफर वर्तिका झा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। ऑलराइट सौम्या, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, बेस्ट 12 में आ गई हो, कैसा लग रहा है परफॉर्म करने से पहले? बहुत 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 खुश हूँ कि मैं बेस्ट 12 में आई हूँ। और मम्मी चाहती थी कि मैं डांसर बनूं, और अभी तो बस शुरुआत है। अच्छा, और लास्ट टाइम मम डैड की बेट भी लगी थी और मम्मी जीत गई थी, तो मम्मी ने मेरे लिए सरप्राइज पार्टी रखा था, पर पापा को नहीं बुलाया। मम्मी फुल शॉपिंग कर रही थी, सैलून गई। अरे आहा, सच दस के आई आज। मैंने साड़ी खरीदी नहीं। अरे वाह, क्या बात। मेकओवर भी करवाया, अभी 10,000 जीते थे तो उसका पूरा फायदा उठाया ना मैंने। क्योंकि मैं बहुत सालों से इनको बोल रही थी मुझे साड़ी लो, तो ये साड़ी लेते नहीं है, तो इसीलिए मैंने उसी पैसों से मेरे लिए साड़ी खरीद ली। क्या बात है पापा, इतने साल हो गए, शादी हो गई, क्या साड़ी लेने का है? जो पैसे मेरे पास है तो मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए मैं खर्चा करूंगा, साड़ी पे क्यों वेस्ट करूं? मिस्टर कांबले, स्माइल नो प्लीज। मेरे पैसे से ये पार्टी करते हैं, आपको नहीं बुलाते। आई अंडरस्टैंड। आप लेकिन देखो, अगर लड़की जीती तो फिर बहुत बड़ी पार्टी और पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा, और इससे भी ज्यादा मिलेगा। हाँ, वो सोचो। ये सोचती हल्की सी स्माइल आने लग रही है। लेकिन पापा, आज क्या लग रहा है? आज का मूड क्या है? क्या कहते हो आप? मैं चाहता हूँ कि आज सौम्य को बेस्ट बजर ना मिले। मुझे लगता है इसको बेस्ट बजर मिलेगा ही मिलेगा। बताओ, लगाते हो शर्त? अच्छा, आज मेरा इस पार्टी का मूड भी है। हाँ, तो कितने की? मुझे पैसे भी कम पड़ रहे। हाँ, तो मैं 10,000 का बेट। ओह माय गॉड, 10,000? कर लोगी ना, बचा लोगी ना? चलो ठीक है, आज बाकी सबको छोड़ो, मेरे लिए परफॉर्म करना प्लीज। जोरदार तालियां हो जाए।
माय लॉर्ड। मतलब गीता मैम एक और बार, थैंक यू मैम, दो बार, थैंक यू सो मच, तीन बार। एक्चुअली बार बार, हजार बार, बस डांस ऐसे ही करना लगातार। माय गॉड, कैन आई प्लीज से आज मैंने डांस की अप्सराओं को देखा है स्टेज पर। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अमेजिंग। मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या उन्होंने भंग की थी एंड आई एम श्योर कि वो ऐसी ही रही होंगी। डांस की अप्सराएं हैं आप, इट्स आई डोंट हैव वर्ड्स। जब मेरे पास शब्द नहीं होते हैं तो मेरा सिर्फ सर टैलेंट के आगे झुकता है। और जब वो कम पड़ता है तो ये भी होता है। Thank you so much. I love this performance. It's stupendous, fabulously fantastic, magical. I shall shut down. You're just rambling. Thank you so much. I'm lost. पहली बार देख रहा हूँ मैं गीता को इस तरह, पहली बार। Soumya. Yes, ma'am. मैं फैन हूं आपकी। थैंक यू। सॉरी कमले सर, लेकिन मैं लाख चाहूं ना तब भी मैं ये करने से चूकूंगी। आया, आज आया, यस। बॉस दो मिल चुके हैं। I have to genuinely thank your mother, because जितनी उन्होंने आपको कहा कि no, आपका जो passion है, please follow it. It is, I have to thank her. But having said that, I want to thank your father also, who right now is looking very upset and angry. लेकिन I think जो हम discuss कर रहे थे, एक reverse psychology है. जितनी आपकी मम्मी कहती है कि हाँ बेटा आप कर लो, और जितना आपका पापा कहता है ना बेटा ना करना, I think that somewhere has given you that extra power, extra ambition, extra drive, extra fire in you, ki nahi mujhe karke dikhana hi hai. Baat, kya baat hai. Main kuch bhool gayi.
आप लोगों को कमेंट्स की जरूरत है? है क्या? आपको तालियां सुनाई नहीं दी? आपको स्टैंडिंग ओवेशन दिखाई नहीं दिया? स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है, तालियां बज रही हैं लगातार, आपको फिर भी कमेंट्स चाहिए तो मैं दे देती हूँ कि माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। स्ट्रेंजली वर्तिका कोरियोग्राफर है और सौम्या कंटेस्टेंट है, लेकिन जब आप आते हैं साथ में परफॉर्म करते हैं तो आई जस्ट सी टू ब्यूटिफुल पीपल डांसिंग ऑन स्टेज एंड बोथ लुक लाइक दे आर इन द कॉम्पिटिशन। कि हम दोनों आए हैं, हम दोनों कम्पीट करें, लुक्स लाइक अ डुओ। ऐसा लगता है कि गाना बनाने वाले ने शायद आपके ऊपर गाना बनाया होगा। इट्स नॉट लाइक आपने सेट किया है गाने पे। क्या बात, थैंक यू मैम सो मच। बड़ी बात है, व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट, बहुत बड़ी बात, व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट, बहुत बड़ी बात। ईच बीट, मतलब वो उसके ऊपर भी उनका वो जो कमर का नीचे ऐसा बैठना है, आई मीन आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट। गॉड ब्लेस यू, आई लव दिस परफॉर्मेंस, आई थॉट इट वाज स्टुपेंडस, फैंटास्टिक, फैंटास्मगोरिकली मैजिकल। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ये छोटा है लेकिन अपन दे देता है। थैंक यू, थैंक यू मैम। मुझे लगता है ये थोड़ा उससे ज्यादा मिलेगा तो मैं वो भी कर देता है। अरे क्या बात है, सौम्या आप मक्खन की तरह डांस करते हो, मक्खन आपके अंग अंग में इतना गजब का तरंग है। तरंग, सौम्या मैं क्या बोलूं, मैं आपकी दीवानी बन गई। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। वर्तिका, आपने जिस तरीके से अपने बॉडी को तराशा है और जिस डिसिप्लिन के साथ आपने किया है, आई ऑलमोस्ट फेल कि अभी और 10 साल लग जाएंगे फॉर अनदर गर्ल टू मैच अप विथ यू। आई ऑनेस्टली फेल दैट, बट कम इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 2 और आ गई सौम्या। और 10 साल नहीं, बस 2-3 साल में ही हमें एक फिर से एक ऐसी लड़की मिली है जो उस लेवल की डांसर है कि हमारा पूरा कॉम उसके बारे में चर्चा करता है, एंड दैट इज गोइंग टू बी यू सौम्या। वर्तिका इज वन थिंग, टू यू नो 19-20 होना भी ठीक है, यू आर नॉट 19-20, आप बराबर हो। आई कांट गेट ओवर दिस परफॉर्मेंस, इट इज दैट टेक्निकली फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच सर। ये तो बनता है, ये भी बनता है। थैंक यू सो मच सर।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.